सो वी आर डिस्कसिंग अ वेरी कॉमन टॉपिक, लूज स्टूल्स इन चिल्ड्रन. दस्त तो सबको ही हो जाते हैं यार, डायरिया, दस्त. सो हम बात करेंगे लूज मोशंस की बच्चों में और डायरिया का ट्रीटमेंट. तो पहले हम देख रहे हैं एक बच्चों को जिसको अभी सिर्फ वाटर स्टूल्स हैं और कोई डिहाइड्रेशन के साइंस नहीं है. तो उसके लिए ORS बेस्ट है. एक सैशे रिलाइट लेना है, उसको 200 ml पानी में जो कि बॉयल और कूल्ड वाटर है उसमें मिला के बता देना है. होम रेमेडी ये है कि ORS अवेलेबल नहीं है तो 200 ml बॉयल कूल वाटर लेके उसमें 1 tablespoon शुगर और 1 pinch of salt मिला के हमें उसे दे देना है. उसके बाद क्या है कि हम उसको घर में भेज सकते हैं आराम से मम्मा के साथ, डाटा बाय बाय. सेकेंड है प्लान बी, माइल्ड डिहाइड्रेशन. उसमें बच्चा थोड़ा थर्स्टी होगा, ठीक है, और इरिटेबल होगा. तो इसमें बच्चे को हम ORS तो देते ही हैं फर्स्ट 4 hours में और 80 ml पर kg के हिसाब से देते हैं. देन फर्स्ट 4 hours के बाद में जितना भी हम देते हैं 50 ml पर kg के हिसाब से देते हैं, प्लस 50 to 100 ml आफ्टर ईच लूज स्टूल देते हैं. इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक देते हैं जिसमें सिर्फ ग्रामोनेग आ गया, ठीक है, सिर्फ सेप्ट्रान है, 1 TDS देंगे. और इंटेस्टाइनल कॉलिक के लिए हम स्पाजमेंडोन दे सकते हैं 1 ml 10 drops. और हमें अगर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लूज स्टूल्स कम करना है तो उसके लिए हम देते हैं टैबलेट लोपेरामाइड, ठीक है, 2 mg की हाफ टैबलेट जाती है. और टू इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हम रेडोटिल 15 mg का सैशे देते हैं, TDS देना होता है. प्रोलॉन्ग डायरिया है तो हम लैक्टिव फ्लोराइड कर देते हैं 1 sachet डेली इन वाटर. उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वॉमिटिंग भी है साथ में तो उसके लिए हम सिरप्स ऑर्निम 2.5 ml TDS देते हैं या इंजेक्शन एमसेट या पेरिनोम. एमसेट या पेरिनोम की 1/4 डोज जाती है, ठीक है, और 1 cc IM या IV दे सकते हैं. सीवियरली माल नरिश्ड है बच्चा तो उसमें इंजेक्शन जेंटामाइसिन 8 ml पर kg 8 hourly जाता है. मिक्सड इन्फेक्शन है तो उसमें हम सिर्फ फ्लैजिल इज मेट्रोनिडाजोल वो भी ऐड कर सकते हैं. जनरल इंस्ट्रक्शन जो मदर को दी जाती है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने से पहले निपल्स क्लीन करें और जो बॉटल में मिल्क दे रहे हैं और जो मिल्क भी दे रहे हैं उनको दोनों को बॉयल करें और आफ्टर एवरी मोशन बच्चे के बटक्स को क्लीन करें और टैल्कम पाउडर लगाएं. अगर रेडनेस है तो उसमें सैलोडम लगा सकते हैं, ठीक है. और फिर आता हमारा प्लान सी जिसमें सीवियर डिहाइड्रेशन है बच्चे को. बच्चा बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, ड्राई टंग है, डिप्रेस फॉन्टेनल्स हैं, डिक्रीज स्किन टर्गर है. तो इस केस में हम IV फ्लूड्स देते हैं, रिंगर लैक्टेट प्रेफरेबली. और डोज जाती है इसकी 30 ml पर kg फॉर द फर्स्ट आवर एंड 15 ml पर kg एवरी आवर फॉर 4 hours, ठीक है. और हमें बच्चे को असेस करना है एवरी 15 to 100 ml देने के बाद और हमें RL कंटिन्यू करना है जब तक उसकी आईबॉल नॉर्मल नहीं हो जाती है और स्किन टर्जिड नहीं हो जाती है. जैसे ही स्किन टर्जिड हो जाती है उसके बाद हमें स्टॉप कर देना RL और आइसोलाइट पी स्टार्ट करना है. नॉर्मली वही 200 to 400 ml RL रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. जैसे ही बच्चा अपना यूरिन पास करने लग जाता है तो हम 4 ml पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं टू द फुल बॉटल ऑफ आइसोलाइट पी. KCL डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं किया जाता, नहीं तो एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाता है. फिर बात करें हम सीवियर डिहाइड्रेशन की तो चाइल्ड बिल्कुल सिक, डिहाइड्रेटेड, स्टिल क्वाइट अनकॉन्शियस लग रहा है तो हमने उसकी स्किन पिंच करके देखनी है. उसके बाद जो है अपना फीबल पल्स है, रेस्पिरेशन डीप साइंग है, यूरिन एकदम स्टॉप हो चुका है तो उस केस में हमें बच्चा बहुत क्रिटिकल है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको IV इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल या पीडियाट्रिशियन को दिखाना है. सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम डिहाइड्रेशन को कैसे ट्रीट करें, डायरिया को कैसे ट्रीट करें. और सबसे बड़ी बात ORS बहुत इंपॉर्टेंट है. 95% बेबीज़ में IV फ्लूड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमें कभी भी सीवियरली डिहाइड्रेटेड में 5% डेक्सट्रोज या आइसोलेट पी नहीं देना है. सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग.